मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप सभी अपना पाठ नंबर 3 सच्चाई निकाल लेंगे, पेज नंबर 21। तो सभी बच्चे किताब पर उंगली रखेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। एक दिन गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिए। सभी बच्चे सवाल को हल करने में जुट गए। उन्हीं बच्चों में एक बालक बहुत होशियार था, मतलब बुद्धिमान था, चालाक था। उसका नाम गोपाल था। उसने बहुत ही थोड़े समय में सभी सवालों को हल कर लिया और खड़े होकर बोला, गुरुजी मैंने सभी सवाल हल कर लिए हैं। जब गुरुजी ने गोपाल की पुस्तिका जांची, तो वे चकित रह गए। चकित माने हैरान होना। उसके सभी सवाल सही थे। ये देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की। पीठ थपथपाना माने शाबाशी देना, ये मुहावरा है। तो पीठ थपथपाते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की, मतलब उसको शाबाशी दी और उसकी बहुत तारीफ की। फिर उन्होंने सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से करके लाने के लिए दिए और बोले, बच्चों ये आज का गृह कार्य है, इन सवालों को तुम्हें स्वयं हल करना है। स्वयं हल करना मतलब अपने आप करना है, किसी की मदद नहीं लेनी है। ये सुनकर सब बच्चे खुशी खुशी घर चले गए। पेज नंबर 22 निकालें। गोपाल घर आकर सवालों को हल करने लगा। माँ ने गोपाल से कहा, बेटा पहले खाना खा लो। गोपाल ने कहा, नहीं माँ, पहले ये सवाल हल कर लूँ। माँ ने फिर गोपाल को प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा पहले खाना खा लो, सवाल बाद में हल कर लेना। माँ बस एक ही सवाल रह गया है, बाकी तो मैंने सभी हल कर लिए हैं, परंतु ये सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है, गोपाल बोला। ये कहकर वो फिर सवाल हल करने लगा। गोपाल ने बहुत मत्थापच्ची की। मत्थापच्ची की मतलब बार बार अभ्यास करना, बार बार प्रयास करना, पर उन सवाल उसकी समझ में नहीं आया। तभी उसका एक मित्र वहाँ आया। गोपाल ने मित्र की सहायता से वो सवाल हल कर लिया। अगले दिन जब गुरुजी ने सभी बच्चों की पुस्तिकाएं जांची, तो केवल गोपाल के ही सभी उत्तर सही थे। उन्होंने गोपाल को शाबाशी देते हुए कहा, बेटा गोपाल मुझे तुम पर गर्व है, पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे जवाब ही सही हैं। फिर उन्होंने जेब से एक कलम निकाली और गोपाल को देते हुए कहा, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और ये कलम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप देता हूँ। पुरस्कार स्वरूप देता हूँ अर्थात इनाम के तौर पर देता हूँ। गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लगा। गोपाल को रोता देखकर गुरुजी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? गोपाल बोला, गुरुजी मैं पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि आपने सभी सवाल स्वयं हल करने के लिए कहा था। मैंने सभी सवालों के स्वयं हल निकाल लिए, परंतु एक सवाल हल नहीं कर पाया। उसे हल करने में मेरे मित्र ने मेरी सहायता की है। सहायता की मतलब मेरी मदद की है। गुरुजी गोपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। एक छोटा सा बालक सबके सामने सच बोल रहा है और अपनी भूल स्वीकार कर रहा है। वे बोले, बेटा ये कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी। पहले तुम्हें सवालों को हल करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था, किंतु अब तुम्हारी सच्चाई के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। गुरुजी ने सच बोलने के लिए वो कलम गोपाल को दे दी। बच्चों जानते हो ये बालक कौन था? इस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये बालक बड़ा होकर हमारे देश का महान नेता बना। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। और इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ
समाप्त होता है। आप सभी को इसे पुनः पढ़ना है और इसके अलावा आपको शब्दार्थ किताब से देखे करने हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का दिन मंगलमय।